नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलॉजिज्म के बारे में। बहुत इजी और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। उससे पहले हमको कुछ पता होना चाहिए कि अगर हमको दिया हुआ है मान लो ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सब क्या हैं, बी हैं, अगर ये हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे, वेन डायग्राम वैसे तो हम करेंगे सेपरेटली, पर वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता, सर्कल्स के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल ए आर बी मतलब जितने भी ए हैं सारे के सारे क्या हैं, बी हैं। जितने भी ए हैं वो सारे क्या हैं, बी हैं। ए को हमने एक सर्कल से माना, बी को हमने बड़ा सर्कल से माना, तो जितने भी ए हैं वो बी के अंदर आ गए, तो मतलब जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, बी हैं। इसी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जितने भी ए हैं वो क्या हैं, सारे के सारे बी हैं। तो ये ए हो गया, ये बी, दोनों सेम साइज के हैं, तो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बी हैं। मतलब जितने भी ए थे वो सारे क्या हो गए, बी थे। तो दोनों केसेस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारे पास होता है नो ए आर बी। नो ए आर बी जितने भी, कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए अगर बी नहीं है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, कोई भी ए बी नहीं है उस पर बीच में हम लगा देंगे क्रॉस। समझ रहा है, कोई भी ए बी नहीं है इसका मतलब क्या है, ऐसे हम उसको डिनोट करेंगे। अगर हमको दिया हुआ सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी है, कुछ ए ऐसे हैं, कुछ ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि बी है। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए का हो सकता है सारे ए ही बी हो, तो सारे ए बी हो, है ना। तो ए जितने भी ए हैं वो सारे क्या हो, बी हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सम ए आर बी, मतलब हम कह नहीं सकते क्या पता सारे ए बी हो। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी है, मतलब कि कुछ ए का पोर्शन कुछ ऐसा है जो कि बी भी है। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ ए ऐसे हैं मतलब सारे ए ऐसे हैं जो कि बी है। तो हमको जब भी कुछ सम के बारे में कहे तो हो सकता है सारे भी हो, तो हमको चारों केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। समझ आया, तो चारों केसेस हम लोग देखेंगे इसके लिए। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, मान लेते हैं हमको कह रखा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। तो सम ए आर नॉट बी, तो हो सकता है कोई भी ए बी नहीं हो, तो ये हो गया कुछ ए। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है। देखो बाहर वाले ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं है, तो इस तरह से हम इनको यूज करने वाले हैं। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम किस तरह से इसको कहाँ पे हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है। जैसे हम, मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऑल इवन आर ऑड, ऑल कंपोजिट्स आर प्राइम। तो मान लो ऑल इवन फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी इवन है, तो ऑल इवन ई से डिनोट कर लेते हैं, आर ऑड वो क्या है, ऑड है, उसको ओ से बोल देते हैं। तो जितने भी इवन क्या है वो सारे क्या है, ऑड है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल कंपोजिट आर प्राइम, जितने भी कंपोजिट हैं वो सारे क्या है, प्राइम है। तो जितने भी कंपोजिट हैं वो क्या है, प्राइम है। नो ऑड इज प्राइम, कोई भी ऑड जो है वो प्राइम नहीं है। सम ऑड आर होल, कुछ ऑड ऐसे हैं जो कि होल है, तो कुछ ऑड ऐसे हैं जो कि होल है, ये हमने इस तरह से डिनोट कर लिया कि कुछ ऑड ऐसे हैं जो कि होल भी है। अब सम मतलब सारे ऑड भी होल हो सकते हैं, पर हमने इस तरह से मान लिया इसको। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट, जितने भी इवन है वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपोजिट नहीं होंगे। तो ये कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे इवन क्या होंगे, वो कंपोजिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑड ही प्राइम नहीं है तो इवन तो इसके अंदर है और कंपोजिट प्राइम के अंदर है, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते। नो प्राइम इज इवन, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही था, नो प्राइम इज इवन, कोई भी प्राइम जो है वो इवन नहीं होगा, ये वाला भी सही है, क्योंकि कोई भी प्राइम जब ऑड नहीं है तो इवन कहां से होगा। नेक्स्ट, सम होल आर कंपोजिट, कुछ होल ऐसे होंगे जो कंपोजिट होंगे, तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम श्योर नहीं है इसके बारे में,
तो हम कुछ कह नहीं सकते, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते तो वो क्रॉस होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। ऑल ऑड आर नॉट प्राइम, जितने भी ऑड है वो सारे क्या होंगे, प्राइम होंगे, जितने भी ऑड हैं वो प्राइम नहीं होंगे। ऑल ऑड आर नॉट प्राइम, देखो कोई भी ऑड क्या है, प्राइम नहीं है, जितने भी ऑड है वो सारे के सारे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे तीन कंक्लूजन सही हैं, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा, सम्स रुपी या डॉलर, तो सेकेंड क्वेश्चन है। कुछ रुपी ऐसे हैं, आर से डिनोट कर लेते हैं, जो कि क्या है, डॉलर है। तो सम रुपी या डॉलर, ऑल येन आर डॉलर, जितने भी येन हैं वो सारे क्या है, डॉलर है। देखो छोटा सा मैंने येन बनाया। सम येन आर यूरो, कुछ येन ऐसे हैं जो कि यूरो हैं। नो पीसा इज अ रुपी, कोई भी पीसा रुपी नहीं है, तो पीसा के साथ मैंने रुपी को क्रॉस बना दिया, कोई भी पीसा रुपी नहीं है। अब देखो कंक्लूजन देखो, ऑल यूरो आर पीसा इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी यूरो हैं वो सारे पीसा होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है, यस। जब वो पॉसिबिलिटी के लिए कह रहा है तो हम हाँ कह सकते हैं। ऑल डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉलर आर पीसो इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी डॉलर हैं वो सारे के सारे पीसो हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्या? ये नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ डॉलर ऐसे हैं जो कि रुपी के अंदर आते हैं, वो पीसो नहीं हो सकते, वो पीसा पीसो नहीं हो सकते। ऑल पीसो बीइंग डॉलर इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी पीसो हैं वो सारे के सारे डॉलर हो, ये पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हो सकता है कुछ पीसो यहाँ के अंदर आ रहे हो जो कि रुपी में नहीं आते हो, तो वो पॉसिबिलिटी है, तो थर्ड वाली भी पॉसिबिलिटी है। फोर्थ क्या है, सम डॉलर आर नॉट पीसो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डॉलर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पीसो नहीं होंगे, बिल्कुल है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये वाला पोर्शन, कुछ डॉलर ऐसे हैं जो कि पीसो नहीं है, तो फोर्थ वाला भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब भी फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ऑल आंट्स आर फ्लाई। देखो अब ये क्वेश्चन का मीनिंग नहीं देखना है हमको, हमको समझना है बस। ऑल आंट्स, जितने भी आंट्स हैं वो सारे क्या है, फ्लाई हैं। ऑल फ्लाई आर बर्ड, जितने भी फ्लाई हैं वो सारे के सारे क्या है, बर्ड है। सम फ्लाई आर इंसेक्ट्स, कुछ फ्लाई ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स हैं, तो कुछ फ्लाई को मैंने इंसेक्ट बना दिया। नो इंसेक्ट इज अ मॉस्किटो, कोई भी इंसेक्ट मॉस्किटो नहीं है, मस्कीटो नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है, क्रॉस बना दिया, कोई भी इंसेक्ट मस्कीटो नहीं है। सम इंसेक्ट्स आर आंट, कुछ इंसेक्ट्स क्या होंगे, वो आंट होंगे, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं वो आंट हैं, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि क्या पता ये बार बार वाला वो पोर्शन हो, आंट वाले तक जाए नहीं इंसेक्ट, तो ये फर्स्ट वाला सही नहीं होगा। सम बर्ड आर मॉस्किटो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बर्ड ऐसी है जो कि मॉस्किटो होगी, ये एक पॉसिबिलिटी है क्या? तो कुछ बर्ड ऐसी है जो मॉस्किटो हो, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मॉस्किटो यहाँ पे हो, तो वो वाली बर्ड मॉस्किटो है। सम फ्लाई आर नॉट मॉस्किटो इज अ प्रोबेबिलिटी, कुछ फ्लाई ऐसी भी होंगी जो मॉस्किटो नहीं होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ फ्लाई इंसेक्ट्स के अंदर है, तो थर्ड वाला भी सही है। नेक्स्ट, ऑल मॉस्किटो आर आंट इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी मॉस्किटो हैं वो सारे के सारे आंट हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब देखो जितने भी मॉस्किटो वो आंट हो, वो क्या पता मॉस्किटो यहाँ पे आ जाए, तो वो इंसेक्ट्स तो नहीं है पर वो आंट है, तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको।